राजेंद्र सर, ये जो स्थिति है, क्या लगता है कैसे लड़ेगी चुनाव कांग्रेस? कि ना फंड है, ना खाते खुले हुए हैं, आप भाई जब खाते फ्रीज हैं तो फंडिंग आप ले नहीं पाएंगे, भाई जनता से पैसे भी आप नहीं मांग सकते हैं, चंदा कैसे ले पाएंगे आप? ऐसे माहौल में कैसे लड़ेगी चुनाव कांग्रेस? राम प्रकाश जी, मुझे अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख पढ़ रहा था, उसमें महात्मा गांधी जी के एक ऐसी स्थिति बताई गई थी कि एक दलित को वो अपने आश्रम में ले आए थे, जिसके कारण सारे जो उनके मित्र थे और जो फंडिंग करते थे वो सबने हाथ खींच लिए और बहुत परेशानी हुई। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था गांधी जी को कि आश्रम कैसे चलाएंगे। और ये शुरुआती दिनों की बात है जब वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे और चला रहे, और उस वक्त तक उनको कई लोग चंदा दे रहे थे, आर्थिक सहायता काफी अच्छी आ रही। तो गांधी जी ने अपना संयम नहीं खोया और उन्हें यह विश्वास था कि वो जिस पथ पे चल रहे हैं वो सच्चाई का पथ है। और उन्हें पता नहीं कहां से विश्वास, मैं जो लेख में लिखा हुआ है वो, और जो गांधी जी ने बाद में किसी को बताया और वहां पे जो आश्रम में थे उसका उल्लेख कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, उसने जितनी जरूरत थी आश्रम को चलाने के लिए पूरे एक साल के लिए पूरी की पूरी फंडिंग कर दी, चंदा ला के दे दिया। पता ही नहीं चला कौन था। और उसके बाद आश्रम चलता रहा, उसके बाद लोग समझने लगे कि गांधी जी क्यों दलित को लाना चाहते हैं और किस तरीके से एक भारतीय समाज में एक सुधार लाना चाहते हैं। अब यही स्थिति इस वक्त कांग्रेस की है। कांग्रेस वही सवाल उठा रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी आवाज होनी चाहिए, और वही हालत हो रही है कि उसके फंड उस वक्त तो जो थे वो जिस स्थिति में थे उसके बावजूद वो उभर के आए। आज भी कांग्रेस में ये विश्वास है, मेरे कुछ जो मित्र हैं उन लोगों से बात हुई थी तो बोले विश्वास है हमारे को कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन अभी तक वो भी इस सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं कि क्या स्थिति होगी। लेकिन राम प्रकाश जी, इस वक्त कांग्रेस में वही विश्वास जो गांधी जी लेके चल रहे थे उसी विश्वास के भरोसे आगे चल रहे हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका चली गई है, तो उम्मीद है कि वहां से उनको कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो एक मुद्दा उभर के आता है इसमें, एक प्रजातंत्र में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे हम कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड अगर ना हो तो प्रजातंत्र कैसे चलेगा? कि एक तरफ एक पार्टी के पास सारी समृद्धि, मतलब सब कुछ है, आपके पास पैसा है, आपके पास सारे संस्थाएं हैं, मीडिया आपके पास पूरी की पूरी है, सोशल मीडिया को भी आपने एक तरीके से किसी तरह डरा के धमका के प्यार से या किसी भी तरीके से आपने अपने साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ है कि कांग्रेस है जो जनसंपर्क से अपना काम चलाने का कोशिश करती है। लेकिन एक चीज है जो विश्वास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, वही उनकी शक्ति है। और रामप्रकाश जी, यही एक जरूरी चीज था कांग्रेस के लिए कि कितनी मुश्किलों में उनको डाला जाए ताकि पता चले कि ये कांग्रेस उन मुश्किलों को सह सकती है और सह के उभर सकती है।
नहीं तो देखिए हम लोग 40 सीट के करीबन आने के बाद ये उम्मीद की गई थी कि कांग्रेस खत्म हो जाए, कांग्रेस के जो लोग हैं वो कई दलों में बढ़ जाएंगे, आधे बीजेपी में आधे सपा में या डीएमके में या बाकी पार्टियों में विलीत हो जाएंगे, वो कांग्रेस यही माना जा रहा था आज से 5 साल पहले। लेकिन जिस तरीके से ये उभरे हैं, जो राहुल गांधी की यात्रा है उसका श्रेय तो उसका श्रेय तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको श्रेय मिलना चाहिए कि कांग्रेस को उभरने का मौका मिला। और जहां तक कांग्रेस को जनसंपर्क करना था जो कि नहीं हो रहा था वो हुआ है, और उसी पे उम्मीद है कि पैसा रामप्रकाश जी, मैं मानता हूं कि उसके बिना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, ये सच्चाई है, ये मतलब ये ऐसी सच्चाई है कि मतलब देखिए आपके कार्यकर्ता को भी पानी पीने के लिए तो पानी लाके देना पड़ेगा ना आपको कम से कम, तो अगर पानी के भी पैसे नहीं है तो कैसे लड़ा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद देखिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा, लेकिन जनता जो देख रही है, जो जनता जनार्दन पूरे देश में देख रही है, उसको यह समझना चाहिए कि देखिए कि किसी को इस तरीके से परेशान करना ना केवल एक लेवल प्लेइंग फील्ड को ना बनने देना है, दूसरा कि आप आगे भी क्या एक कहते हैं ना ट्रेंड सेट कर रहे हैं। कल कोई पार्टी कोई दूसरी पार्टी अगर सत्ता में आती है और बाकी जो पार्टियां विपक्ष में हैं उनके साथ ऐसे करेगी तो भी भारत के प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो रामप्रकाश जी यहीं पे मैं अपना विचार विराम करता हूं, लेकिन एक बात है जो गांधी जी का विश्वास था और वही विश्वास कांग्रेस आज लेके चलती। राजेंद्र सर, एक दर्शक का सवाल है ये कि क्या इसी के पास ऐसा कोई विकल्प है कि वो तय कर पाए कि सबको बराबर स्पेस मिल सके प्रचार के लिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बराबर स्पेस देने की बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी आप उस पर जो जवाब देना चाहें। दूसरा एक चीज और है जो अभी जिक्र आया था, जिस तरीके से पुष्पराग जी ने भी बात ये कही थी, जो फाइनेंसर्स हैं जो पैसा देते हैं चुनावों में उनको एक डर है आईडी और ईडी जैसी एजेंसियों का कि भाई अगर हमने फंड दिया कांग्रेस को तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स ये खुलासे करती हैं कि भाई जिन लोगों ने चंदे दिए उनके ऊपर या तो कार्रवाई हुई या उनके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप थे या फिर उन्होंने व्यापार लेने के लिए सत्तारूढ़ दल को जो है वो चंदे दिए, तो ऐसे में सारा फंड जो है वो जो सत्तारूढ़ दल है उसके पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास जाता दिखाई दे रहा है, उम्मीदवारों में डर बना ही हुआ है, तो फिर कांग्रेस पार्टी करेगी क्या? भाई उम्मीदवार ही जब डर करके घर में बैठा रहेगा तो चुनाव कैसे लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? 300 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, कौन लड़ेगा फिर चुनाव उन सीटों पर? रामप्रकाश जी देखिए सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक हैं उनका सवाल जहां तक मुझे याद है, मैं पूरी तरह से सही नहीं हूं लेकिन जितनी जानकारी मुझे याद है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आवंटन करती है समय का प्रचार के लिए सरकारी मीडिया में, वो पार्टी की जो स्थिति होती है उसके हिसाब से होता है या कुछ मापदंड है उसके हिसाब से होता है, उस पे स्ट्रेंथ के हिसाब से वो समय अलॉट होता है। पुष्पराग जी से और बात की जाएगी, वो सलाह देंगे इस पर बताएंगे एग्जैक्टली। जी तो पहला तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात, आपका सवाल था कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा जहां पे एक डर का माहौल बिठा दिया गया है। अभी मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सॉरी झारखंड में एक कांग्रेसी नेत्री का इंटरव्यू सुन रहा था जहां पे उनपे इतना दबाव डाला जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ मिल जाए या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से लड़े, लेकिन मानना पड़ेगा हैट्स ऑफ टू उनको कि वो अपनी जगह से हिली नहीं और उन्होंने दबाव में नहीं आई। उनको ईडी ने उनके घर पे छापा मारा, सुबह से शाम तक बिठा के रखा कई जगह पे, उन्होंने बताया उनको खड़ा भी रखा कई जगह पे,
तो देखिए आज की स्थिति ऐसी है जैसे कि आप चुनावी मैदान में कहते हैं ना, लड़ाई का मैदान है, तो ये सही तरीके में देखा जाए तो ये लड़ाई का मैदान है इस वक्त। और जब आप मैदान में होते हैं तो हर तरीके के आपके ऊपर अस्त्र फेंके जाएंगे, आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ तलवार से ही लड़ूंगा। तो वही बात पे मैं जो डॉक्टर राजाराम जी ने जो इतना बढ़िया रामायण से हमें बताया, उसी चीज को मैं आगे थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगा। देखिए आप पैसा रोक सकते हैं, आप समय रोक सकते हैं लोगों से मिलने का, आप हर चीज कर लीजिए, लेकिन देखिए रास्ता कहीं ना कहीं से निकल आता है। हमने जो लड़ाई लड़ी थी स्वतंत्रता के लिए और कांग्रेस पार्टी उसमें सबसे और ये वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों को उखाड़ फेंका है इस देश से। कोई कुछ भी कहता रहे, इतिहास को बदलने की कितनी भी कोशिश करता रहे, जिस गांधीवादी तरीके से भारत ने अपना स्वराज बनाया, अपने अंग्रेजों को बाहर निकाला, इसी रास्ते पे चल के जो भी भारत के संविधान के खिलाफ या भारत की जो प्रजातंत्र की जो नींव डली है उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको उखाड़ फेंकने में इसी तरीके से फेंका जाएगा। और रामप्रकाश जी ये जनता करेगी, मैं आपको बता दूं ये जनता करेगी, क्योंकि ये लड़ाई विपक्ष और सरकार की नहीं है, ये सरकार और जनता की है। ये हमने हर ऐसे मौके पे देखा है, जब 1975 की बात हम करते हैं तो 1975 में भी हमने देखा ये जनता वर्सेस सरकार हो गई, और आज भी वही स्थिति है कि आप धर्म को ले आइए। आप देखिए ऐसा नहीं है कि देश में सभी अधर्मी हैं और सिर्फ बीजेपी वाले ही धर्मवादी, ऐसा तो नहीं, और यह सच्चाई है। और देखिए जनता मौका देती है, जनता ने मौका दिया आपको, अगर आपने सिर्फ उन मुद्दों पे आपने ध्यान दिया जिन मुद्दों को आपको लगता था, यानी बीजेपी को लगता था कि ये मुद्दे जनता के लिए जरूरी हैं, और अगर जनता कहती है नहीं ये हमारे मुद्दे नहीं थे, ये हमने नहीं मांगा था हमारी ग्रोथ के लिए या देश की उन्नति के लिए, तो बीजेपी को रास्ता छोड़ना पड़ेगा कि दूसरे जो दल हैं जो कहते हैं कि ये हमारा तरीका है देश को आगे बढ़ाने का, और हर व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं भारत में रहने की और बढ़ने की उसको पूरा करने का ये हमारा तरीका रहेगा, तो उनको मौका मिलेगा। आप उनकी बैंक अकाउंट आज रोक लीजिएगा, चाहे आप डराइएगा उनको। आखिरी सवाल जो आपने रामप्रकाश जी रखा कि अगर जो कैंडिडेट है वही डर जाएगा तो फिर किस तरीके से ये लड़ा जाए। देखिए ये डर जो है, कहते हैं एक टेक्निकल टेक्नोलॉजिस्ट थे, उनका एक हिंदी में बहुत बढ़िया था वो है, वनली पैरानॉइड सर्वाइव, यानी जो डरता है वही ध्यान रखता है सबसे ज्यादा। जो डरता नहीं है कि सब कुछ जो आज बीजेपी का है कि 400 हमारे आएंगे 370 आएंगे, तो यह जो स्थिति है ये खतरे की स्थिति है, ना कि वो स्थिति कि हमें लड़ना है और आखिरी दिन तक लड़ना है जब तक वोट डल ना जाए और जब पेटियां ईवीएम की पेटियां बंद ना जाए तब तक हमें डरना है। ये जरूरी है, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता या इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और जितने भी वहां पे लोग हैं पार्टियों में, अगर वो डरना छोड़ देंगे तो समझ लीजिए जीतना मुश्किल है। इनको डरना जरूरी है आखिरी दम तक, लेकिन डर के बैठना नहीं है, डरो और लड़ो। अगर डर रहेगा तभी लड़ने की हिम्मत आएगी। राम प्रकाश जी,